हेलो एवरीवन, वॉम वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप रस शास्त्र के एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा देखिए, जब भी एग्जाम की तैयारी होती है ना, तो सबसे पहले शुरू होती है प्रेपरेशन से। प्रेपरेशन जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप या फिर बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जामिनेशन में। तो स्टेज वन है प्रेपरेशन, स्टेज टू है इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेज वन जो कि आपका अभी चल ही रहा होगा, आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और बाकी जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सारी चीज़ों को आज बहुत सारे मेथड्स के साथ आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी एनालिसिस के साथ ये वीडियो बनी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। एग्जाम का टाइम है, आई एम श्योर ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन किस तरह का आंसर डिमांड करता है, इस चीज़ को आप पहले से ही फ्रेम कर लीजिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, रस शास्त्र में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि यंत्र, पुट, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या क्या डिमांड करती हैं। लाइक सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसमें डायग्राम भी ऐड करें, उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स बताई गई हैं, तो आप उनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताइए। उनमें डायग्राम जो बना रहे हैं आप उसी के साथ मेजरमेंट्स भी बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई शॉर्ट में, टाइम भी सेव हो गया। ठीक है, तो ये तैयारी आपकी पहले हो गई, क्योंकि आप जब नोट्स बना रहे हैं या बुक में पढ़ रहे हैं, आप तभी ही डिसाइड कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ या वाली हूँ। और अब पहला पॉइंट ये है इस मेथड में जो है, सबसे पहला डॉक्टर मोहर पाल मीना जी की जो बुक है रस शास्त्र की, वो बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन कर रखा है किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को। आप उसी मेथड को यूज़ करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ अगर अभ्रक का, तो अभ्रक में कितने अच्छे से सब कुछ बताया है, लाइक परिभाषा, उसमें स्वरूप, फिर उसमें अलग से उनके पर्याय बताए हुए हैं, फिर भेद बताए हैं, लक्षण बताए हुए हैं, साथ में प्रशस्त अभ्रक के लक्षण क्या होते हैं, उनके अभ्रक के दोष क्या हैं, उनका शोधन कैसे करना है, साथ में उनके मारण आदि के बारे में बताया है। अब ये हो गया आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो जैसे धान्य अभ्रक निर्माण आया है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं पैराग्राफ में कितने अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया कि अगर ये क्वेश्चन आया, फैकल्टीज आपको बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप, मैंने पहले ही लिख लिया था कि इसको मैं फ्लो चार्ट में ही अटेम्प्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सारे स्टैट्स को, यानी जो फैक्ट्स उसमें दिए हैं कि क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स करने हैं, उन सभी को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। इससे क्या होता है, आपको याद भी रह जाता है कि हाँ चलो 1 2 3 4 5 पाँच पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें हो गई। तो पाँच स्टेप लगे धान्य अभ्रक निर्माण होने में, इससे मुझे ये भी याद रहता था कि पाँच चीज़ों में मुझे बतानी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रिकॉल करने में एग्जाम टाइम में, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी होती है तो वो भूल जाता है, तो जब आप ऐसे ऐसे सिक्वेंस में तैयारी करते हैं ना, तो एग्जाम टाइम में रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब दूसरा मेथड है कि जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को कंपेयर करके लिखना होता है या बहुत सारी चीज़ें उसमें बतानी होती है, तो आप उन क्वेश्चंस को कॉलम के थ्रू भी डील कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया है मान लीजिए रत्न के बारे में, तो बहुत सारे रत्न उसमें बताए गए हैं, तो आप उनको कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पूरा पूरा महारस पूछ लिया है तो उसमें बहुत सारे द्रव्य हैं, तो उनको आप कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन में जब मल्टीपल चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, तो आप उसको कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कि सिर्फ आंसर लिखना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, सही आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा जब भी आप किसी भी नोट से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, स्टैट्स जो भी हैं उसमें दिए हैं, उसको टिक कर लीजिए, उसको बिल्कुल दिमाग में उसको रट लीजिए, बिठा लीजिए, क्योंकि वो वर्ड्स आपके आंसर राइटिंग के वक्त होना ही होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। और मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड आंसर लिखने पे ही मार्क्स मिलते हैं। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप उसी वक्त ये सारी चीज़ों को पेन डाउन कर लें अपनी बुक में, ताकि जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे हों आप रिकॉल कर पाएँ। अब जैसे ये नोट्स मैं दिखा रही हूँ, तो इस नोट्स में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है हेडिंग के साथ दी हुई हैं, फिर इसमें कॉलम भी बनाया हुआ है, और नेक्स्ट इसको फिर डिटेलिंग की हुई है। तो आप इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड है।
तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया कि कुछ क्वेश्चंस कॉलम के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस जो है आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं आपके आंसर्स इफेक्टिव तो दिखते ही, साथ में आपका टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ कि एक बार क्वेश्चन आया था कूपीपक और कल्पना के बारे में, तो इस क्वेश्चन को कैसे जो है मैंने डील किया था, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। अगर कोई भी सजेशन है इस क्वेश्चन को लेकर कि आप इसको कैसे डील करते, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक क्वेश्चन आया था कूपीपक व कल्पना के बारे में। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे डील किया या फिर कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कूपीपक व कल्पना को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करना था क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नॉर्मल जो एक सेंटेंस बना के डेफिनेशन लिखते हैं वो मैंने बता दिया कि कूपीपक व कल्पना किसको कहते हैं। फिर मैंने एक वर्टिकल जो है फ्लो चार्ट बनाया कि इसकी कल्पना कैसे कैसे हुई। नेक्स्ट है कूपीपक व रसभेद, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट बनाया। देन थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में बता दिया था। फिर जो कूपीपक व रस निर्माण विधि है उसको मैंने फ्लो चार्ट में बनाया। देन मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए लाइक इसके भावना द्रव्य क्या है, यंत्र उपकरण क्या हुए थे, फिर कांच कूपी कपड़ मिट्टी, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया। साथ में मैंने फिर से कूपीपक व मुख मुद्रण को पॉइंट में बता करके उसके बाद कूपी को तोड़ने की जो विधि है उसको फ्लो चार्ट में बना करके फिर इसमें जो इसके योग हैं लाइक रस सिंदूर है, रस कपूर है, तो इस औषधियों को हम मैंने थोड़ा सा पॉइंट में बता करके अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया एक एग्जांपल कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। तो ये था अलग अलग मेथड कि किस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। साथ में मैंने कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी आपको शेयर कर दी। एक और टिप आपके साथ शेयर करूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं जैसे कि औषधि योग, तो उन सभी के कंटेंट, उनके प्रोसीजर्स और उनके जो मात्रा है वो याद रखिए, क्योंकि ये टू दी पॉइंट उसके आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करें डूज एंड डोंट्स की, तो डूज में यही है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ आंसर राइटिंग आपको करनी है। ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंस वे में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे इट्स ऑन अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और डोंट में यही है कि ओवर राइटिंग नहीं करनी है, पन्ने नहीं भरने होते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। और साथ में शफलिंग नहीं करनी है क्वेश्चन की कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 उठा लिया फिर 2 उठा लिया, तो ऐसे नहीं, सीक्वेंस में ही कोशिश करिए लिखने की। तो ये था आज के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।